नक्सल आतंक का अभिप्राय बना रहा लातेहार की धरती को थरथराने वाला चर्चित शिक्षक हत्याकांड का लातेहार पुलिस ने 3 साल बाद खुलासा कर दिया। शिक्षा जगत को सख्ते में डालने से लेकर सूबे की सरकार और प्रशासन के सर पर बल लाने वाला विनोद बैठा हत्याकांड के दोनों आरोपी को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस से महज 2 दिन बाद ही अपहरण कर हत्या करने वाले टीपीसी उग्रवादी संगठन के सदस्य रामलाल भगत और साधवा भगत को पुलिस ने उसके ही घर से धर दबोचा और साबित किया कि कितना भी छुप लो पर अपराधियों को उनके किए की सजा जरूर मिलती है। दरअसल बालूमाथ के होलंग विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत विनोद बैठा को टीपीसी के उग्रवादियों ने फिरौती लेने की नियत से अपहरण की घटना को अंजाम दिया था। ईंट भट्टा का मालिक होने के चलते मोटे रकम ऐंठने की तैयारी थी। प्रशिक्षक अपहरण की घटना के बाद मचे बवाल के बीच बढ़ते पुलिसिया दबाव में विनोद बैठा की हत्या कर दी गई थी। तभी से पुलिस इन दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी थी। आखिरकार 3 साल बाद पुलिस को उसके घर होने की सूचना मिली और चंदवा थाना प्रभारी कमलेश पांडे के नेतृत्व में टीम गठित कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां लातेहार पुलिस बड़ी सफलता मान रही है, वहीं कई और पर्दाफाश होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये 14 का केस है चंदवा थाना का, जिसमें राइटिंग विथ मर्डर और उग्रवादी संगठनों द्वारा ये घटना किया गया था, जिसमें टीपीसी के 7-8 उग्रवादी विनोद बैठक टीचर हुआ करते थे, प्रधानाध्यापक, उन्हीं की हत्या पीट पीट कर उग्रवादियों द्वारा कर दी गई थी, जिसमें नामजद अभियुक्त ये रामलाल भगत एम सदवा उराव। पुलिस इसको बहुत समय से इसकी तलाश कर रही थी, आज अहले सुबह इनको पकड़ लिया गया और इनको जेल भेजा गया। ऐसे लोग बता रहे हैं कि वो सदस्य के रूप में रहती थे, लेकिन ये क्षेत्र के एरिया कमांडर के रूप में इन्हें जाना जाता था कि जो भी कुछ भी रहती होती सदवा उराव, जो इस क्षेत्र में जो भी टीपीसी के बड़े उग्रवादी आते थे, इन्हीं के यहाँ संरक्षण और इसके यहाँ लोग ठहरते थे, जैसा कि डायरी से और तीसरे अनुसंधान से पता चला। 5 अभियुक्त की गिरफ्तारी बाकी है, मुख्य में से और 2 को हमने अरेस्ट करके हम लोग भेज रहे हैं। धन्यवाद।